नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अपने भारत देश के राष्ट्रपति की क्या इज्जत होती है। माननीय रामनाथ कोविंद जी, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, जो वहां के पंडों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दर्शन नहीं करने दिया और वहाँ से उन्हें बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ा। यह राष्ट्रपति का अपमान नहीं था, यह एक दलित राष्ट्रपति का अपमान है, यह दलितों का अपमान है। बस यहीं तक नहीं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। आखिर क्यों? देश भर का SC ST समाज आज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसीलिए नहीं बुलाया गया? क्या इन्हें राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि दलितों और आदिवासियों का वोट आसानी से पा सके? क्या SC ST लोग केवल वोट लेने के वक्त याद आते हैं? क्या आप लोगों को वोट मांगते समय छुआछूत नहीं याद आता? मैं अपने SC ST समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बल्कि वोट लेने के लिए भी बने हो। आप अपने वोट के पावर को पहचानिए और उसे सही व्यक्ति को वोट कीजिए। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में हिस्सा नहीं लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि एक अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मैं कड़े शब्दों में जरूर कहूंगा कि पूर्व राष्ट्रपति हो या वर्तमान राष्ट्रपति, ये लोग BJP के राष्ट्रपति हैं, ना कि देश के। ये देश के राष्ट्रपति इसलिए नहीं है कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और दबे कुचले लोगों के साथ हो रहे अन्यायों के प्रति एक शब्द कभी नहीं बोलते। ये सिर्फ और सिर्फ वही बोलते हैं जो इन्हें अलग से लिख करके दिया जाता है। ये केवल एक पार्टी के ही राष्ट्रपति हैं, क्योंकि देश के वर्तमान राष्ट्रपति, जो खुद एक महिला हैं और महिला रेसलिंग खिलाड़ियों के साथ हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द नहीं बोला। हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि एक दलित या SC ST समाज का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन गया। मैं बता दूं कि ये राष्ट्रपति बने नहीं हैं, इन्हें जानबूझ करके बनाया गया है ताकि दलितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और SC ST समाज के लोगों का वोट बहुत आसानी से ले सके और देश के लोगों के ऊपर शासन कर सके। हम सभी इनके झांसे में आकर इन्हें अपना कीमती वोट दे देते हैं। हमारे समाज के लोग ये सोचते हैं कि एक SC ST समाज का व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति बन गया, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे राष्ट्रपति का क्या फायदा, जो कि जिस समाज से उठकर वह राष्ट्रपति बन गए और उसी समाज के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर दो शब्द क्यों नहीं बोलते? दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, बल्कि समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अन्य देशों में तो उस देश के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन हमारे देश में तो किसी एक विशेष पार्टी के राष्ट्रपति हैं। केवल राष्ट्रपति ही नहीं, देश के तमाम वो नेता जिन्हें दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और दबे कुचले लोगों ने अपना कीमती वोट देकर मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री तक बनाया, ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ आ सके, हम गरीबों का विकास हो सके, आज वही लोग सत्ता में बैठकर हम सबको भूल गए हैं। दोस्तों, अपने ही समाज के लोग ही हमें कमज़ोर बनाते हैं, अन्यथा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें कोई कमज़ोर बना सके। दोस्तों, कांशीराम साहब कहते हैं कि सच्चे नेता समाज में खुशहाली लाते हैं और झूठे नेता समाज में बदहाली लाते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।